नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स के मोर्चे पर एक और टैक्स स्लैब ला दिया है। पुराने टैक्स स्लैब के साथ साथ नया स्लैब आने से कई लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है। कई लोग पूछ रहे हैं कि पुराने टैक्स स्लैब बेहतर हैं या फिर नए टैक्स स्लैब में उनका टैक्स बचेगा। आपको ये बता दें कि 5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स लगेगा या नहीं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे, क्लैरिफिकेशन लेंगे। इसको लेकर भी लोगों के मन में कंफ्यूजन है। आपके इन तमाम सवालों का जवाब और हर कंफ्यूजन का सोल्यूशन मनी गुरु में आज हम करेंगे। हमारे साथ है टैक्स एक्सपर्ट मनीष गुप्ता। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आज शो में क्या हम खास चर्चा करने जा रहे हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम जानेंगे कि बजट में टैक्स के मोर्चे पर आपको क्या मिला, नया टैक्स स्लैब चुने या फिर पुराना आपके लिए है सही, बजट के बाद कैसे करें टैक्स कैलकुलेशन, साथ ही नए टैक्स स्लैब में शामिल है कौन कौन से डिडक्शन, ये जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में सबसे पहले आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि बजट 2020 में कई लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव होगा। बदलाव क्या हुआ, एक नया टैक्स स्ट्रक्चर ही आ गया है मनीष जी, और ये टैक्स स्ट्रक्चर हम लोगों के सामने अभी रखने जा रहे हैं, जिसमें थोड़ा बहुत आपको सभी दर्शकों को समझने में आसानी होगी कि आखिरकार ये बदलाव कहां और कैसे हुए हैं। तो 2.5 लाख रुपए तक अभी भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 0% की दर से टैक्स है। फिर 2.5 से 5 लाख रुपए 5% टैक्स, मतलब पहले भी 5% था, अब भी 5% टैक्स यहां पर लगेगा। फिर 5 से 7.5 लाख रुपए, यहां पर जो टैक्स स्लैब है यहां से बदलाव शुरू हो जाते हैं। 5 से 7.5 लाख रुपए का एक नया टैक्स स्लैब है जिसमें नई दर के हिसाब से 20% टैक्स लगेगा, और उसके अलावा यहां पर अलग अलग जो टैक्स रेट है उसमें हम आपको बदलाव बता रहे हैं। उसके अलावा फिर 10 से 12.5 लाख रुपए का टैक्स स्लैब है, 12.5 से 15 लाख रुपए का टैक्स स्लैब है, और 15 लाख से ज्यादा का टैक्स स्लैब है जिसमें 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो बेसिकली यहां पर 5, 10, 15, 20, 25 और 30 ये नए टैक्स स्लैब आ चुके हैं सामने। इसके साथ ही कुछ आंकड़े भी आपको बता दें, आयकर विभाग ने कुछ आंकड़े बताए जिसके मुताबिक 5.78 करोड़ करदाताओं में से 5.3 करोड़ टैक्स पेयर 2 लाख रुपए से कम की छूट लेते हैं। छूट का यहां पर मेंशन हम क्यों कह रहे हैं ये अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। कुल करदाता का 90% 2 लाख से कम कटौती का दावा करते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोविडेंट फंड, होम लोन का ब्याज, एनपीएस में योगदान, बीमा प्रीमियम भुगतान, मेडिकल बीमा प्रीमियम आदि पर छूट मिलती है। तो ये छूट का जो मेंशन हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नए टैक्स स्लैब में आपको इनमें से कोई छूट नहीं मिलेगी, मतलब आपको ये तमाम छूट जो है वो करनी पड़ेंगी गिव अप। तो क्या रियायतें मिल रही हैं, क्या रियायतें नहीं मिल रही हैं, उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। मनीष जी, क्या रियायतें हैं जो अब जो नहीं मिलेगी नए टैक्स स्लैब में? देखिए, अब दो तरह के टैक्स रिजीम हो गए हैं। अगर आप नया और कम रेट वाला टैक्स स्लैब चाहते हैं तो आपको 70 छूटों से आपको लालच हटाना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको 80D की छूट नहीं मिलेगी, 80DDA की छूट नहीं मिलेगी, आपको 80G की छूट नहीं मिलेगी, 80GG की छूट नहीं मिलेगी, इसी तरीके से 80T में जो सेविंग बैंक पर इंटरेस्ट होती थी वो छूट नहीं मिलेगी। आप अगर एजुकेशन लोन का रिपेमेंट करते हैं तो 80E वो छूट भी आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको सैलरी क्लास में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 की होती है वो आपको नहीं मिलेगी। आपको होम लोन पे अगर आप इंटरेस्ट चुकाते थे और उसका टैक्स बेनिफिट लेते थे अब आपका वो छूट जाएगा। ऐसे ही कई और भी लिस्ट, लंबी लिस्ट है, उन पर आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा साफ है, हमें और हमें ऑप्शन है कि हम इस ऑप्शन में जाएं या पुराने में बने रहें। अगर आपको लगता है कि पुराना बेहतर है तो पुराने में है और नए है तो नए चले जाएं। उसके लिए अब आपको दोनों तरीके से अपने टैक्स की गणना करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि मैं पूरी छूट, जैसे कि आपने कहा कि 90% लोग पूरी छूट क्लेम नहीं कर पाते थे, वो इसलिए नहीं कर पाते थे कि उनमें या तो कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगा जाता था या उतना पैसा आपको जमा करना पड़ता था किसी ना किसी योजना में। जब आपको पैसा जमा करना है और जमा करने के लिए, खर्च करने के लिए पैसा नहीं है तो हम वो छूट छोड़ देते थे। तो सरकार ने ऐसे लोगों की परेशानी को समझते हुए ऐसे लोगों से कहा, अगर आप छूट नहीं ले पा रहे या नहीं लेना चाहते
तो बेहतर है आप कम रेट के नए टैक्स रिजीम में चले जाइए, वहां पर कम टैक्स पे करिए और सुखी रहिए। आपको बिना बात को अननेसेसरी में इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में या अदर चीजों में करने की जरूरत नहीं है। आपको बिना जरूरत के म्यूचुअल फंड नहीं खरीदना है, आप टैक्स मत बचाइए। कम टैक्स हम आपको लगाएंगे, आपका उतना पैसा पैसे ही बच जाएगा, बाकी पैसा आप अपना खर्च कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये जो नए टैक्स स्लैब से जो एक आइडिया जाता है मनीष जी, वो यही है कि टैक्स बचत करने के लिए लोग प्रेरित नहीं होंगे। ये भी हम बात करेंगे कि आपको नए टैक्स स्ट्रक्चर और मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर में अगर आप शिफ्ट करते हैं मौजूदा से नए टैक्स स्ट्रक्चर में, क्या आपको कोई फायदा होने भी वाला है, इसकी चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन क्या ये डिस्करेज नहीं करता लोगों को कि टैक्स बचत के लिए आपको कहीं पर भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है? बल्कि हम राइट ट्रैक में हैं। अब देखिए, हमें टैक्स बचाना है तो हमें 1,00,000 रुपए का पे टैक्स बच रहा है तो हम 70,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दें। अरे आज आपको पैसे खर्च करने की जरूरत है, आज आपको महंगे मोबाइल खरीदने, आपको गाड़ी खरीदने, घर खरीदना है, तो आप पैसे आप इंश्योरेंस में या दूसरी बचत स्कीम में पीपीएफ में पैसा लगा के क्यों परेशान हो, जबकि आपको पैसे चाहिए खर्च करने के लिए। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप करिए, आप यहां टैक्स कम चुकाइए और उस पैसे को टैक्स में इन्वेस्टमेंट में लगाइए। तो अब सरकार लालच देकर इन्वेस्टमेंट के प्लान से हटकर सीधी सीधी बात कर रही है कि भाई आपको टैक्स देना है, आप टैक्स थोड़ा कम दे दीजिए। आपको इन्वेस्टमेंट सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है आप जरूर करें, आपको इंश्योरेंस लेना है खरीदिए, आपको मेडिक्लेम कराना है अपनी जरूरत के हिसाब से उचित जगह करवाइए। अगर आपको पीपीएफ में लगता है आपको पेंशन की जरूरत है, पीपीएफ में आपको फंड होना चाहिए तो करिए, अन्यथा आवश्यक नहीं है। इनसे बचें। आपको जबरदस्ती जो पुश करके इन्वेस्टमेंट कराया जाता था, वो पुश इन्वेस्टमेंट का दौर अब खत्म होने को है। आप अपनी इच्छा से इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि देखिए, सरकार का विजन बड़ा लंबा है, वो कहते हैं हम आपको मेडिकल फैसिलिटी देंगे, धीरे धीरे आप अपना पेंशन का अरेंजमेंट करिए, तो फिर आप बचाएं किस लिए? आप उसको रखिए, अपनी सुविधा से खर्च करिए और वहां बचाइए जहां आपको ज्यादा इनकम टैक्स का, ज्यादा इंटरेस्ट का बेनिफिट हो, ज्यादा डिविडेंड मिले। आप मुझे एक बात बताइए कि नया टैक्स स्ट्रक्चर, जैसा हम बता रहे हैं कि नया टैक्स स्ट्रक्चर है किसके लिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक जो बहुत बड़ा जो एक तबका है जिसमें हमने कुछ आंकड़े भी बताए, लगभग 90% जो टैक्स पेयर है, जितने लोग टैक्स देते हैं उनमें से वो जितनी भी डिडक्शंस हैं उनका दावा करते हैं। क्या सिर्फ 10% लोगों के लिए ही ये नया स्ट्रक्चर है जो कि नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके की बचत के लिए वो टैक्स सेविंग करें? मैं कहता हूँ ये सबके लिए है ये टैक्स स्ट्रक्चर। देखिए, जो लोग बड़ी सैलरी ड्रॉ करते हैं और अभी उन्होंने कोई मकान नहीं खरीदा है ना, एचआरए पे करते हैं, तो वो एचआरए की डिडक्शन इतनी बड़ी है कि उन्हें फिर नए स्ट्रक्चर में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना छूट ले लें, तो उनको ये टैक्स स्ट्रक्चर में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्हें लगता है, जैसे बुजुर्ग हैं, जो रिटायर्ड हैं, जिनके पास इंटरेस्ट से उनका काम चलता है, उनके अपने इन्वेस्टमेंटों से रिटर्न आ रहा है, उन्हें टैक्स बचाने के लिए और इन्वेस्टमेंट वो क्यों करें? वो भाई, जैसे किसी की उम्र 65 साल है, अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट ना करके अपने भ्रमण में, अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए खर्च करें, तो उनको टैक्स की बचत ना करनी पड़े, उनके लिए ये टैक्स रिजीम है। ऐसे ही काम, ऐसे युवा महिलाएं हैं जो कि होम मेकर हैं और जिनको थोड़ी सी इनकम आती है, अब वो उनको 5-6-7 लाख रुपए आते हैं, उस पर भी टैक्स बचाने के लिए वो 1-2 लाख रुपए लगा दें। इससे बेहतर तो ये है कि मामूली 5-10% टैक्स पे करके वो अपनी जिंदगी को आसान बनाए और अपने बचे हुए पैसे से, जिस पैसे को वो इन्वेस्ट करके 10 साल के लिए छोड़ रही थी, उस पैसे से अपनी जिंदगी आसान बनाए, जहां जरूरत हो वहां खर्च करें, अपने लाइफ स्टाइल को बेटर करें, या वहां इन्वेस्ट करें जहां उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। तो दरअसल ये जो फोर्स इन्वेस्टमेंट का एरा था वो खत्म करके सुविधाजनक इन्वेस्टमेंट के ट्रैक की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेरी ऑलरेडी अच्छी इनकम है, मुझे किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, तो मैं ना करूं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आंकड़ों के जरिए समझने की जरूरत है कि आखिरकार कहाँ पर फायदा है, पुराना वर्सेस नया टैक्स स्ट्रक्चर, कहाँ पर आपको मिलेगा फायदा। एक एग्जांपल हम मनीष जी सबसे पहले ले लेते हैं। अभी आप बेसिक छूट कौन सी लेते हैं? ATC लेते हैं जिसमें 1.5 लाख रुपए है, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं जिसमें 50,000 रुपए है, उसके अलावा ATD जब हम हेल्थ की बात करते हैं उसमें आपको 25,000 रुपए की छूट मिलती है। अगर हम वो सिनेरियो अभी रखें, इंपॉर्टेंट है, सेविंग बैंक पर इंटरेस्ट 10,000 रुपए
रुपए सेक्शन टीटीए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम जो जिन छूट की बात कर रहे हैं उसके बेसिस पर ही थोड़े बहुत आंकड़ों से समझते हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि अगर आप एटीसी एटीडी स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट लें, जिसमें 1,25,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए जोड़ दें, तो उस हिसाब से आपको कितना कैसे क्या फायदा होगा। ओके, तो यहाँ पर जो फायदा हमारे सामने आ रहा है उसके तहत 7,50,000 रुपए की आय पर अभी आपका जो टैक्स देनदारी बनती है वो बनती है 18,200 रुपए। लेकिन अगर आप कोई छूट नहीं लेते, मतलब एटीसी नहीं लेते, एटीडी नहीं लेते, सारे डिडक्शन नहीं लेते हैं, तो यही टैक्सेबल आय आपकी बन जाएगी 39,000 रुपए। मतलब अगर आप अपने मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर से 7,50,000 रुपए की आय में शिफ्ट करना चाहते हैं नए टैक्स रिजीम में, तो आपको 20,800 रुपए का टैक्स नुकसान है। ठीक है, लाइकवाइज 10,00,000 रुपए में 70,200 रुपए अगर आपकी टैक्स देनदारी बनती है आपकी आय पर तमाम छूट के साथ, एटीसी एटीडी और स्टैंडर्ड डिडक्शन, वही बिना छूट के 78,000 रुपए हो जाती है। मतलब अगर आप शिफ्ट करेंगे तो 7,800 का यहां पर भी अतिरिक्त टैक्स आपको देना पड़ेगा। फिर 12,50,000 ये जो आए हैं, मैं नए टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करके बताई, 12,50,000 में 1,24,800 रुपए आपकी टैक्स देनदारी बनती है तमाम छूट को कैलकुलेट करके। लेकिन अगर कोई टैक्स छूट नहीं लेते तो 1,30,000 रुपए बनता है। मतलब यहां पर भी आपका नुकसान है 5,200 रुपए का। मतलब कम से कम इन तीन स्लैब में मनीष जी नए टैक्स स्ट्रक्चर में जाने का फायदा नहीं है। जिससे पहले आप इसमें इनपुट दें, मैं यहां पर बोलना चाहूंगी 15,00,000 और 20,00,000 रुपए कहां पर ये गेम थोड़ी बदल जाती है अगर आप एटीसी एटीडी और स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं। वो ये 2,02,800 रुपए टैक्स देनदारी 15,00,000 की आय पर, जिसमें बिना छूट के 1,95,000 रुपए नीचे आ जाता है। मतलब 7,800 रुपए आपका टैक्स देनदारी कम हो जाएगी अगर आप 15,00,000 की आय पे, और 20,00,000 की आय में 3,58,000 रुपए की अगर आपकी टैक्स छूट बनती है तमाम डिडक्शन के साथ, तो वो 3,51,000 पर आती है, जिसमें आपको नए स्ट्रक्चर के हिसाब से 7,800 का फायदा है। तो इस स्ट्रक्चर को देखकर यही लगता है कि 12,50,000 रुपए तक की आय, सालाना आय वालों को कोई फायदा नहीं है नए स्ट्रक्चर के लिए, 15,00,000 या उससे ज्यादा 20,00,000 तक नए स्ट्रक्चर में जा सकते हैं। अब देखिए, अब वापस आते हैं आपके पहले आंकड़े के ऊपर, जहां आपने कहा 90% लोग पूरी डिडक्शन नहीं ले पाते हैं। अब देखिए, इनकम के 5 तरीके हैं, सैलरी, बिजनेस और कैपिटल गेन वगैरह। जो सिर्फ सैलरीड लोग हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ उन्हीं को मिलता है, तो यानी बाकी लोग तो ये डिडक्शन ले ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा जैसे कि अगर 90% लोग 1,50,000 की पूरी डिडक्शन नहीं करा पाते, मेडिक्लेम जो लोग अच्छी कंपनीज में काम करते हैं उनको मेडिक्लेम उनकी कंपनी से मिलता है, या एक परिवार में अगर कर्ता ने मेडिक्लेम ले लिया तो बाकी कामकाजी पत्नी है या बच्चे बड़े हुए हैं वो अपना मेडिक्लेम नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे ये छूट ज्यादातर लोग ले ही नहीं पाते थे। जो तो ऐसे में जो लोग ये पूरी छूट नहीं ले पा रहे उनके लिए नया ऑप्शन है, अन्यथा पुराने ऑप्शन पर बने रहे। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि सरकार ने आपको एक ऑप्शन तो दे ही दिया कि भाई आपके लिए एक ये ऑप्शन है, भाई आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करिए और रिलैक्स रहिए। ऐसे में हमें ये साफ समझ में आता है आपके आंकड़ों के अनुसार कि अगर आप कम रेंज की इनकम में है और आपके पास रीजनेबल डिडक्शन का कॉम्बिनेशन बनता है तो आप पुराने रिजीम में बने रहिए, अन्यथा आप नए रिजीम में जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये समझ में आ गई बात, मतलब 15,00,000 या 15,00,000 से ऊपर की सालाना आए नए रिजीम में भी उनको फायदा हो सकता है टैक्स डिडक्शन का, मतलब जो आपको टैक्स छूट मिलेगी। तो यहाँ पर हम बात करें मनी गुरु में, आपकी कोई भी टैक्स की कंफ्यूजन उसका सलूशन हम निकाल रहे हैं, क्योंकि बजट 2020 में एक नया टैक्स स्लैब जो आपके सामने आ गया है विदाउट एनी छूट, उसको लेकर कई लोगों में है कंफ्यूजन। हमारे साथ है टैक्स एक्सपर्ट मनीष गुप्ता इस कंफ्यूजन का सलूशन निकालने के लिए। मनीष जी, कई लोग ये कह रहे हैं कि हम एटीसी माने उसका फायदा लेते हैं, एटीडी का फायदा भी लेते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और हमारा एचआरए भी जाता है। अब हमें पुराने टैक्स स्लैब में रहना चाहिए कि नए टैक्स स्लैब में रहना चाहिए? यहाँ पर कुछ आंकड़ों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। मतलब आप एटीसी लेते हैं 1,50,000 रुपए, फिर एटीडी के तहत 25,000 रुपए की टैक्स छूट लेते हैं और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 के साथ आय के हिसाब से एचआरए है। पहले 7,50,000 रुपए की बात करते हैं, 7,50,000 की आय पर 39,000 रुपए आपकी अतिरिक्त टैक्स देनदारी बनेगी, वो कैसे बनेगी? क्योंकि अभी तमाम टैक्स छूट लेने के बाद एटीसी एटीडी स्टैंडर्ड डिडक्शन और एचआरए के तहत मौजूदा आप टैक्स देनदारी से मुक्त हैं, लेकिन
अगर कोई भी छूट नहीं लेते हैं तो 39,000 आपकी टैक्स देनदारी बनती है, जो कि हर टेबल में हर एक आय में समान रहेगी क्योंकि आप कोई छूट नहीं ले रहे हैं। यहां पर आपका 39,000 रुपए का नुकसान है, तमाम छूट ली लेकिन नए रेजिम में आके नुकसान। 10,00,000 रुपए की आय है, तमाम छूट लेते हैं एचआरए के साथ तो 28,600, क्योंकि आप 10,00,000 रुपए की आय पर 2,00,000 रुपए तो एचआरए की छूट ले रहे हैं, उसमें आपके नए रेजिम के हिसाब से 78,000 रुपए टैक्स देनदारी बनेगी क्योंकि आप कोई छूट नहीं ले रहे हैं, तो 49,400 रुपए आपकी अतिरिक्त टैक्स देनदारी बनेगी। इसके अलावा 12,50,000 रुपए की आय पर आप 2,50,000 रुपए का एचआरए अगर जोड़ दें एटीसी एटीडी और स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ, तो मौजूदा 70,200 की टैक्स देनदारी पे ज्यादा बढ़कर आपकी टैक्स देनदारी हो जाएगी 1,30,000 रुपए, मतलब साफ तौर पर 59,800 रुपए का टैक्स अतिरिक्त टैक्स देनदारी। फिर 15,00,000 पर आते हैं, जिसमें 15 और 20,00,000 में हमें विदाउट एचआरए वाले टेबल में फायदा हो रहा था, यहां पर कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। 15,00,000 पर 1,11,800 की टैक्स देनदारी मौजूदा टैक्स स्लैब के हिसाब से, तो नए टैक्स स्लैब के जो नया टैक्स स्लैब है 1,95,000, मतलब अतिरिक्त टैक्स देनदारी आपकी बनेगी 83,200 रुपए। और इसके अलावा 20,00,000 की आय पर 2,34,000 में एचआरए अगर जोड़ दिया जाए 4,00,000 रुपए का, तो आपकी टैक्स देनदारी 2,34,000 रुपए और बिना छूट के टैक्स देनदारी होगी 3,51,000 रुपए। तो ये आंकड़ा कितना बढ़ गया, मतलब एडिशनल बर्डन आपका 1,17,000 रुपए बढ़ जाएगा। मतलब जो लोग एचआरए ले रहे हैं, जो लोग एटीसी का बेनिफिट ले रहे हैं, एटीडी ले रहे हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन ले रहे हैं, जितनी ज्यादा छूट उतना नए रेजिम में जाने का बहुत ज्यादा नुकसान। इसका सीधा सीधा मतलब ये समझिए, सरकार ये कहना चाहती है कि इस बार तो आपको ऑप्शन है, आगे क्या होगा वो अलग बात है। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे पुराने टैक्स रिजिम में रहने का फायदा है, तो मैं पुराने में रहूं, और अगर हम नए में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आज मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट है अगले साल नहीं होगी, तो ऐसे कई क्राइटेरिया हैं जिनको सोच के ऐसे रिजिम बनाया गया कि आपको एक बार में ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम पुराने में रहेंगे या नए में रहेंगे। अब इसमें प्रश्न ये आता है कि आपको किस साल में नए में रहना है या किस साल में पुराने में रहना है, इस पर हम जैसे चर्चा करेंगे ही। हमें मूल रूप से ये जान लेना है कि सरकार हमसे यहाँ कुछ मांग नहीं रही है, आपको एक ऑप्शन है, आपको ऑप्शन अगर फिट बैठता है, आपके पास एटीसी की एचआरए की इन्वेस्टमेंट है, कई लोग क्या है एचआरए पे नहीं करते, किराए पर रहते हैं या अपने घर में रहते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों को एचआरए तो मिलता नहीं, तो ऐसे लोग क्या करें, उनके लिए नया रिजीम बेटर है। अब ये बताइए कि नए रिजीम की तो हमने बात की, आपने बोला कि नए स्ट्रक्चर में जिनकी ज्यादा बचत नहीं है, एग्जेम्पशन ज्यादा क्लेम नहीं करते रिटायरीज के लिए या और टैक्स बचाने की बजाय सुविधा को वरीयता जो देते हैं, या होम मेकर, नौजवान, बड़े व्यापारी, उनके लिए पुराना टैक्स स्ट्रक्चर में बने रहने के लिए सबसे बड़ा रीजन आप क्या बोलेंगे और कौन बने रहे इसमें? देखिए पुराने सिंपल कैलकुलेशन है, सबसे पहले तो ये देखें कि क्या आपकी इनकम में बिजनेस और प्रोफेशन शामिल है। बिजनेस और प्रोफेशन से अगर आपकी इनकम में इनकम आ रही है, तो आप ये मानिए आपको सिर्फ एक बार ही स्विच करने का ऑप्शन मिलेगा। ये तो स्विचिंग की बात होगी, लेकिन रहे कौन पुराने स्ट्रक्चर में? मैं इसको इस बात को मैं आगे ले जाता हूँ कि स्विच करने का ऑप्शन एक बार है, तो आप अपने फ्यूचर को भी देख कर चलिए। ऐसा नहीं कि इस साल आपको पुराने नए में फायदा हो रहा है और आप नए में उछल के चले गए, आपको स्विच करने के ऑप्शन बार बार मिलेंगे। इसलिए सिर्फ एक बार का आपको फैसला नहीं करना है, कई वर्षों की प्लानिंग सोचनी पड़ेगी। ये एक मुश्किल काम है, बट आपको कागज पेन लेके बैठना पड़ेगा, आपको आंकड़ा लगाना पड़ेगा कि मेरे इंश्योरेंस अगले कितने साल तक रहेंगे, मेरा मेडिक्लेम मुझे कब तक लेना है, क्या बच्चे अपना अगला मेडिक्लेम लेने वाले तो नहीं है, इसके अलावा अगर मैं घर खरीदने का प्लान कर रहा हूं तो मेरा एचआरए खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग मद में अलग अलग विचार करने के बाद आपको दोनों तरीके की गणना करनी चाहिए। मतलब जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, होम लोन कई लोगों का चल रहा है, एजुकेशन लोन चल रहा है, तो वो बड़ा डिफरेंस है। जैसे अगर वो 1,00,000 रुपए साल चुकाते हैं, ये सीधे सीधे आपकी इनकम में से घट जाना है, अन्यथा ये आप 25% या 20% के स्लैब में आ जाएंगे। तो ऐसे लोग जिनके पास डिडक्शंस की ऑप्शंस है और आने वाले समय में भी रहेगी, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से पुराने रिजिम में ही रहना चाहिए। अब जैसे हम एक दर्शक पूछ रहे हैं कि इनके पास स्विचिंग का ऑप्शन है, मतलब मौजूदा रेजिम से नए रेजिम में शिफ्ट हो सकते हैं वो टैक्स, और वो कौन से ऐसे नियम है जिसके लिए बनाए गए हैं जो अभी सामने आए हैं फिलहाल? देखिए अगर आपकी आय में व्यापार और प्रोफेशन से मिली आय शामिल है,
तो आपको एक बार स्विच करने का ऑप्शन दिया गया है, यानी आप पुराने से नए में जा सकते हैं और एक बार वापस आ सकते हैं, यानी वापस पुराने में आ सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा नए में नहीं जा पाएंगे। और अगर आप सिर्फ सैलरीड हैं या आप रिटायर्ड हैं, पेंशन आती है, इंटरेस्ट आती है, रेंटल आता है या अन्य तरीके की आय है जिसमें आपकी कुल आय में बिजनेस और प्रोफेशन से आय शामिल नहीं है, तो आप के पास ऑप्शन है कि आप हर वर्ष डिसाइड कर सकते हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि आपको डिसाइड साल के एंड में करना है, यानी मार्च के बाद जब आप अपने रिटर्न तैयार करेंगे तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न में एक टैब आएगा, वहां भरना है कि आप नए रिजिम में या पुराने रिजिम में। यानी आपके पास पूरी पूरी सुविधा है कि आप पूरा साल हिसाब लगा लो, तो देखो जहां फायदा है वहां आप जंप कर लो, इट इज गुड फॉर यू। बिल्कुल, अभी कई दर्शकों के मन में कई सवाल हैं, लेकिन हम मनी गुरु में एक और एपिसोड में इन तमाम सवालों और तमाम कंफ्यूजन का सोल्यूशन लेकर एक बार फिर से आएंगे, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और भी क्लैरिटी इस पूरे मामले में आएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर और बारीकियां बताने के लिए मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही।